लेकिन बातों को समझाने के लिए कहानी गढ़ी जाती है तोता ने कहा कि आपका गुरु बंदी छोर है मालिक ने कहा हाँ मेरा गुरुदेव बंदी छोर है और वो पूर्ण है सब कुछ कर सकते हो दुखे से छुट्टी दिला सकते हैं वो बंदी छोर का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं तोता ने कहा मालिक मेरा भी एक प्रश्न अपने गुरु के पास पेश कर दीजिएगा और उत्तर जो बताएंगे वो आकर के मुझे भी बताइएगा तोता ने कहा अपने गुरु से पूछना कि मेरा बंधन कैसे कटेगा तोता ने कहा मेरा बंधन कैसे कटेगा वो सज्जन अपने गुरु के पास जाते हैं अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करने के बाद वहीं बैठ जाते हैं कुछ भीड़ छटी तो उन्होंने गुरु से पूछा कि गुरुदेव हमारे यहाँ एक तोता है तोता का एक प्रश्न है उन्होंने पूछा है आपसे कि मेरा बंधन कैसे कटेगा ये प्रश्न सुनते ही गुरुदेव जी है गिर गए जैसे लगा कि चक्कर आ गए उन्हें और गिर गए और लगता लगा कि वो काफी बेहोश जैसे हो गए वो आदमी सोचा कि मैं अकेले बैठा हूं और यदि गुरुदेव जी को कहीं कुछ हो गया लोग देखेंगे तो मुझे ही दोष देंगे कि क्या आपने सुघा दिया क्या किया वहां से उठा और भाग चला गया नौ दो तो ग्यारह हो गए चला गया डरते डरते किसी प्रकार अपने घर पहुंचा जैसे घर पहुंचा तैसे तोता ने कहा मालिक मेरा प्रश्न का उत्तर आपके गुरुदेव ने कुछ बताया और मालिक ने कहा कि तोता तुम्हारा प्रश्न तो गुरुदेव के पास जरूर किया लेकिन उन्हें कुछ बताया नहीं पता नहीं क्या हो गया उनको आपके प्रश्न को सुनते ही बेहोश हो गए गिर गए और मैं तो भाग करके आ गया उन्होंने कहा फिर से बताइए तोता ने कहा फिर से बताइए मालिक ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न को मैं गुरुदेव जी के पास रखा कि मेरा बंधन कैसे छूटेगा मेरा तोता कहता है तो चक्कर आ गया उन्हें गिर पड़े अब इतना सुनना था कि तोता भी वही पिंजरे पर अंदर गिर गया और लगा कि तोता भी मर गया प्रेम से निकाला पिंजरा के खोल करके और बाहर रखा सोचा कि उनके पास कुछ पानी छिड़क दूं और पानी लाने के लिए गया तब तक तोता जय बंदी छोर जय बंदी छोर कहते हुए स्वच्छ आकाश स्वच्छंद घूमने लगा जाकर के पेड़ में गया। तो कहने का मेरा एक ही तात्पर्य कि गुरुदेव तो सही बताते हैं बातें लेकिन जब तक हम उनके इशारा को नहीं समझते तब तक हमारा बंधन नहीं कटेगा मोक्ष नहीं होगा दुखों से निवृत्त नहीं हो सकती है तो साहेब कहते हैं एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार था मुनिजन पंडिता बेद न पावे पार इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए गुरु पीर पादरी पता नहीं कितने लोगों ने उस पर विचार किए और विचार आगे करते भी जा रहे हैं लेकिन जो उस विचारों खरा विचार है उसको जिन्होंने अपने आचरण में धारण कर लिया कुल मिलाकर के जिसने अपने दोषों को छोड़ दिया वही मुक्त हो सकता है वही बंधनों से छूट सकता है दुखों से छूटने का एक ही उपाय है बंधनों को छोड़े और हमारे जीवन में जो दोष और दुर्गुण है उसको त्याग करें निश्चित है गुरुदेव जी का विचार हमारे जीवन में उतर जाएगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय अभी हम